हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन। मैं हूं रिंकी कुमारी। कल हम लोगों ने सेटिंग अरेंजमेंट पार्ट वन पे डिस्कस किया था और आज हम लोग सेटिंग अरेंजमेंट पार्ट टू पे डिस्कस कर रहे हैं। कल हम लोगों ने सेटिंग अरेंजमेंट पार्ट वन में वर्टिकल सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में देखा था, जिसमें मैंने फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन लिया था। आज एग्जाम में अगर हॉरिजेंटल सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन आता है तो आप लोग को किस तरीके से सॉल्व करना है, चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का, कल हमने क्वेश्चन नंबर वन डिस्कस किया था, आज ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू है जो हॉरिजेंटल सीटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, देयर आर टू लेटर बिटवीन एल एंड पी। सबसे पहले बोल रहा है कि हम लोग का इंग्लिश वर्ड का कोई फाइव लेटर का कोई एक इंग्लिश वर्ड है, ओके, जिसमें बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट है देयर आर टू लेटर बिटवीन एल एंड पी। कल हम लोगों ने जिस क्वेश्चन पे डिस्कस किया था, देखा था कि हम लोगों ने जब स्टेटमेंट टू पढ़ा था तो हम लोग को कोर स्टेटमेंट मिला था, लेकिन आज देखिए हमारा पहला स्टेटमेंट ही कोर स्टेटमेंट हम लोग को मिल गया। बोल रहा है कि इसमें कि एल और पी के बीच में दो लेटर है। चलिए देखते हैं कि हम लोग का कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले देखते हैं कि पांच लेटर का कोई वर्ड है जिसमें बोल दे रहा है ये मेरा एल है, ये हमारा एल है, बीच में दो स्पेस है और ये हमारा पी है, ओके। ये भी तो हो सकता है हमने एल और पी लिया है, ये दूसरा केस ये भी तो हो सकता है ना कि P मेरा पहले हो, दो फ्लोर का गैप हो, और हो सकता है कि L मेरा यहां हो, ये दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, ओके। अब पांच इंग्लिश का वर्ड है जिसमें चार के बारे में पता चल गया है और एक के बारे में पता नहीं है, तो हम लोग देखते हैं, पॉसिबिलिटी बनाते हैं कि इस पे कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है। अगर हम लोग का केस अगर ये होता है तो देखिए चार वर्ड है तो हो सकता है कि एक वर्ड मेरा यहाँ पे हो, अगर किसी का दूसरा पॉसिबिलिटी लेते हैं तो हो सकता है कि L, दो स्पेस खाली है बीच में P, और हो सकता है कि पांचवा वर्ड मेरा P के बाद हो। अगर ये केस अगर मेरा ट्रू होता है तो इसका भी पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, हो सकता है कि P के पहले कोई वर्ड हो, या हो सकता है कि P, दो स्पेस L, और हो सकता है कि मेरा कोई वर्ड यहाँ पे हो, ये दो मेरा पॉसिबिलिटी है, ओके। चलिए देखते हैं अगला लाइन, S इज नॉट प्लेस्ड इमिडिएटली नेक्स्ट टू L। इस लाइन का मतलब हुआ कि L के ठीक अगल या तो ठीक बगल मेरा S नहीं बैठा है। अगर ये अगर मेरा केस होता, अगर ये मेरा केस होता है तो L के यहाँ पे और यहाँ पे S नहीं बैठा है, मीन्स S यहाँ बैठा है, ओके। अगर ये मेरा केस होता है, अगर ये मेरा केस होता है, सॉरी ये देखते हैं, अगर मेरा ये केस होता है तो बोल रहा है कि मेरा S यहाँ पे नहीं है, S मेरा यहाँ नहीं है, हो सकता है कि मेरा S यहाँ हो या हो सकता है कि मेरा S यहाँ हो, इसमें भी दो पॉसिबिलिटी है, आगे डिस्कस करते हैं, ओके। पहले इसमें देख लेते हैं, L L के ठीक अगल बगल में नहीं है, इस लाइन में देखते हैं कि S हो सकता है कि यहाँ हो और S हो सकता है यहाँ हो, यानी इस केस में और इस केस में मेरा अभी भी दो दो पॉसिबिलिटी बन रहा है। इस केस को देखते हैं, L हो सकता है कि L के ठीक अगल और ठीक बगल मेरा S नहीं है, यानी हो सकता है कि S मेरा यहाँ है, यानी इस केस में और इस केस में S को मैंने बैठा दिया, बाकी इस केस और इस केस में मेरा दो दो पॉसिबिलिटी बन रहा है। अभी देखते हैं और आगे, तीसरा स्टेटमेंट देखिए, देयर इज ओनली वन लेटर बिटवीन S एंड A। बोल रहा है कि S और A के बीच में सिर्फ एक लेटर है। अगर S मेरा इस केस में देखता, अगर S मेरा ये है, इधर तो कोई मेरा है नहीं, तो बोल रहे यहाँ पे तो अगर A को यहाँ, अगर A को यहाँ पे बैठाते हैं तब मेरा बीच में एक स्पेस आता है, ये तो मेरा गलत हो गया, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि S और A के बीच में कोई मेरा है, अगर हम A यहाँ पे डालते हैं तभी ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो मेरा L बैठा है, यानी ये पॉसिबिलिटी मेरा गलत हो गया।
अब इसको देख लेते हैं, इसमें तो मेरा पॉसिबिलिटी, इसको देख लेते हैं कि एस और ए के बीच में एक बैठा है। अगर एस ये है तो ए मेरा ये होना चाहिए, तभी एक बीच में बैठेगा। ये भी पॉसिबिलिटी मेरा गलत हो गया। अब या तो ये इस पॉसिबिलिटी में पुट कर सकते हैं या तो इस पॉसिबिलिटी में। चलिए इस दोनों पॉसिबिलिटी को हम अलग अलग लिख लेते हैं। एल दो स्पेस है, पी और पी के बाद एक स्पेस है, और इस पॉसिबिलिटी को लिख लेते हैं पी, एक स्पेस यहां पे है, दो स्पेस यहां है और एल। चलिए देखिए, हमने बोला था ना कि इसमें भी दो पॉसिबिलिटी है। एस कहां हो सकता है? एल के बगल में नहीं है। यहां तो हो सकता है, यहां तो हो सकता है ना। पहला केस में हम बोलते हैं या तो एस यहां हो सकता है, अगर दूसरा केस लेते हैं तो हो सकता है कि अगर ये पी है तो हो सकता है कि एस मेरा ये हो। ओके, अगर इस पॉसिबिलिटी में लेते हैं तो हो सकता है कि एस मेरा ये हो, या हो सकता है कि एस पी ये और ये स्पेस खाली है एल। ओके चलिए, ये चार पॉसिबिलिटी अभी मेरे पास है, ठीक है। मैंने दोनों, ये जो मेरा दो बचा हुआ था, इस दोनों पे मैंने दो दो पॉसिबिलिटी बनाया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में पता चलेगा। डी स्टेटमेंट बोल रहा है कि एस इज टुवर्ड्स द राइट ऑफ ए, बोल रहा है कि ए के राइट में एस है, ए के राइट में एस है। सबसे पहले मेरा थर्ड स्टेटमेंट में बोल रहा है कि एस और ए के बीच में एक पर्सन है। अगर एस ये है तो एल वहां पे तो हो नहीं सकता है, मीन्स ए मेरा यहाँ है, एस अगर ये है तो ए मेरा यहाँ है, एस अगर ये है तो ए मेरा ये है, अगर एस ये है तो ए मेरा ये है। हमने तीसरे स्टेटमेंट के अनुसार बैठा दिया चौथे में, एस इज टुवर्ड द राइट ऑफ ए, ए के राइट में एस है। ये देखिए, ए के राइट में एस, गलत हो गया ना ये, क्योंकि एस इसके लेफ्ट में बैठा हुआ है। ये केस देखते, इसमें भी देखिए ए के राइट में एस है, ये पॉसिबिलिटी सही है। एस इज टुवर्ड्स राइट ऑफ ए के राइट में है, देखिए यहाँ ये पॉसिबिलिटी सही लग रहा है। ए के राइट में एस है, ये भी पॉसिबिलिटी सही, ए के राइट में एस है, ये पॉसिबिलिटी सही लग रहा है। और एस के राइट में है, क्वेश्चन बोल रहा है ए के राइट में एस होना चाहिए, यहाँ पे तो ए के लेफ्ट में है, ये पॉसिबिलिटी गलती। यानी अभी इस कंडीशन में भी मेरा दो पॉसिबिलिटी सही हो रहा है। देखिए चार को हमने बैठा दिया, तो खुद से भी अब देख रहे हैं, ए पी एस एल बैठा दिया, मतलब एक जो मेंबर है वो मेरा इसी बीच होगा। मतलब ई के बारे में बोला जा रहा है, चलिए ई हम यहाँ बैठा दे रहे हैं। देखिए तो मेरा तो दोनों वर्ड से पता चल रहा है कि मेरा अभी तक दोनों सही लग रहा है, लेकिन अभी भी मैंने लास्ट स्टेटमेंट नहीं छुआ है। चलिए इस बारे में लास्ट स्टेटमेंट पढ़ के 100% श्योर हो जाते हैं कि मेरा कौन सा पॉसिबिलिटी या कौन सा केस 100% सही है। फिफ्थ स्टेटमेंट बोल रहा है कि एस इज नॉट प्लेस्ड इमीडिएटली नेक्स्ट टू ई, ई के ठीक अगल या तो ठीक बगल एस मेरा नहीं है। इस केस में देखिए तो एस के ठीक अगल या बगल ई नहीं है ना, यानी हम बोल सकते हैं कि ये केस मेरा सही है। ओके एक बार इसको भी मिला लेते हैं कि एस के ठीक, ई के ठीक अगल बगल एस तो नहीं है ना, अरे भाई यहाँ तो ई के ठीक लेफ्ट में ही एस बैठा, यानी ये पॉसिबिलिटी लास्ट में जाके ये पॉसिबिलिटी मेरा गलत हो गया। मैंने कल भी आप लोगों को बोला था और आज भी बोल रही हूँ, प्लीज जब भी आप लोग सिटिंग अरेंजमेंट का या पजल बनाओ तो प्लीज लास्ट मोमेंट पे एक बार अपने सेटिंग अरेंजमेंट या पजल जो आप बनाए हो उससे एक बार क्वेश्चन के थ्रू जरूर एक बार लास्ट मोमेंट पे आप मिला लेना। क्या पता पॉसिबिलिटी है, कोई भी सही हो सकता है, कोई भी गलत हो सकता है। पांचों स्टेटमेंट के थ्रू मुझे ये स्टेटमेंट 100% एक्यूरेसी के साथ ये मुझे पता चल गया। चलिए एक बार लास्ट मोमेंट पे हम लोग मिला भी लेते हैं। There are two statement between L and P. देखिए L और P के बीच में दो है, सही है। S is not placed immediately next to L. Means L के ठीक अगल और बगल S तो नहीं है ना। देखिए L के ठीक अगल बगल S नहीं है ना, बिल्कुल सही है। There is only one letter between S and A. S और A के बीच में एक letter है, देखिए यहाँ पे P बैठा है सिर्फ अकेला, सही है। S is towards the right of A. A के ठीक right में, मतलब
एस है, ए के राइट में एस है, सही है। टुवर्ड्स बोल रहा है मीन्स ए के राइट में, सही है। एस इज नॉट प्लेस्ड इमिडिएटली नेक्स्ट टू ई, ई के ठीक अगल बगल एस तो नहीं है ना। यहाँ पे देखिए ई मेरा सेकंड पोजीशन पे बैठा और एस मेरा यहाँ, बिल्कुल सही। यानी ये सिटिंग अरेंजमेंट मेरा बिल्कुल सही है। ये जो सिटिंग अरेंजमेंट का मैंने जो क्वेश्चन लिया है, मेरा ये क्वेश्चन मेरा हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल सिटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन है, जिसको हम लोग रो सिटिंग अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं या वन लाइनर हॉरिजेंटल सिटिंग अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं। ओके, अगर आप लोगों को अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को पॉज कीजिए, पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बन रहा है तो आप मेरे स्टेप्स देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैंने लिया हॉरिजेंटल सिटिंग अरेंजमेंट का ही है, देखते हैं। ये क्वेश्चन है मेरा, मुझे लग रहा है हाँ ये भी मेरा हॉरिजेंटल सिटिंग अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन मैंने लिया। ओके, चलिए देखते हैं। Eight persons A, B, C, D, E, F, G and H are seated in a row facing north. आठ पर्सन है, एक रो में आठ फ्रेंड्स बैठे हुए हैं जो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। ओके, देयर आर एग्जैक्टली टू पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में सिर्फ दो बैठे हैं। देखिए यहाँ पे मुझे पोल स्टेटमेंट मिल गया कि बी के लेफ्ट में सिर्फ दो बैठे हैं, मीन्स बी के राइट में पांच लोग बैठे होंगे। चलिए देखते हैं, आठ पोजीशन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, आठ पोजीशन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट पर्सन। ओके, बोल रहा है कि सबका फेस नॉर्थ की तरफ है, मीन्स सब ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ देख रहा है। ओके, मैं एकदम बेसिक्स आप लोगों को बता रही हूँ, प्लीज आप लोग ध्यान से देखिए कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। अभी एकदम बेसिक से बता रही हूँ, हड़बड़ाने की कोशिश मत कीजिए। ओके, अभी मैंने मेरा ये पार्ट टू ही है, बस आप लोग देखते रहिए, मैं हर लेवल का क्वेश्चन आप लोग के सामने लाऊंगी। क्वेश्चन बोल रहा है कि देयर आर एग्जैक्टली टू पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी, मीन्स कोड स्टेटमेंट मेरा मिल गया। बोल रहा है कि बी के लेफ्ट में मेरा दो पर्सन ही है। अगर हम लोग को इतना पता है, अगर कोई नॉर्थ की तरफ देख रहा है, अगर कोई नॉर्थ की तरफ देख रहा है मतलब ये मेरा लेफ्ट हो गया और ये मेरा राइट हो गया। चलिए ठीक है, बोल देते हैं ये मेरा लेफ्ट एंड हो गया और मेरा ये राइट एंड हो गया। ओके, बी क्वेश्चन बोल रहा है कि बी के लेफ्ट में दो है, मीन्स बी के राइट में पांच है। ओके, अगला लाइन पढ़ते हैं। थ्री पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एच। ओके, ए और एच के बीच में तीन पर्सन है। अगर हम लोग इतना ही पढ़ के अगर रुक जाते हैं तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि हम लोग कहाँ कहाँ ए को बैठा है और कहाँ कहाँ एच को बैठा है। बहुत सारा इतना मेरा लाइन है, बहुत सारा पॉसिबिलिटी हो सकता है, इसलिए हम लोग एक स्टेटमेंट थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं कि नाइदर ऑफ ए और एच इज अ नेबर ऑफ एच। कहने का मतलब कि बी का नेबर ए और एच नहीं है, कि यहाँ पे अभी आप लोगों को बस बता रही हूं, ना ही तो ए और एच यहाँ पे है और ना ही तो ए और एच यहाँ पे है, बता दिया है। देखिए अब मेरा कितना इजी हो गया पजल, आप लोग आराम से बना सकते हो कि बी के अगल और बगल में मेरा ए और एच नहीं है। देखिए अगर ये मेरा चार सीट खाली है, यहाँ पे देखिए चार सीट खाली है, लेकिन क्वेश्चन तो बोल रहा है कि ए और एच के बीच में तीन है, पॉसिबल ही है। अगर ए और एच यहाँ पे नहीं है तो इधर का पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकता कि मेरा ए और एच बैठे। देखिए एक सीट यहाँ पे खाली, ए और एच यहाँ पे भी नहीं बैठ, ए और एच यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता है और यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता है। बी तो भाई खुद से पहले से बैठा हुआ है, एक यहाँ पे मेरा ये खाली है अभी, तो हो सकता है कि ए यहाँ पे हो। अगर ए यहाँ पे होता है तो वन टू थ्री को छोड़ के एच यहाँ पे हो, अगर एच यहाँ होता है तो ए मेरा ये होता है। इसके अलावा आप गौर करो, एक भी पॉसिबिलिटी नहीं है हम लोग के पास।
ठीक है, इस पॉसिबिलिटी पे अगर ए और एच ऐसे बैठा है और एच और ए ऐसे बैठा है तब कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है, तब हम लोग के पास देखिए कितना पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि ए अगर यहां पे बैठा है तो एक का गैप, उसके बाद मेरा यहाँ पे बी बैठा है और इसके बाद एक दो तीन चार पांच, देखिए तो टोटल मेंबर एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ हो गए। एक पॉसिबिलिटी हो सकता है और दूसरा पॉसिबिलिटी तो ये हो सकता है ना कि अगर एच यहाँ पे मेरा होता है तो अगर बीच में ये तो बी यहाँ मेरा बैठा हुआ है, ठीक है, एक दो तीन चार पांच खाली है, ए और एच के बीच में बोल रहा है कि तीन, अगर ये अगर ए है तो एक दो तीन मेंबर को छोड़ के एच यहाँ है, अगर एच मेरा ये होता है तो एक दो तीन मेंबर को छोड़ के ए मेरा ये होता है। अभी दो पॉसिबिलिटी पे चल रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि सी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए, गौर कीजिएगा आप लोग, सी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में सी बैठा है। इस पॉसिबिलिटी को देखिए आप लोग, इस पॉसिबिलिटी को देखिए, अगर इसको देखते हैं तो ए के लेफ्ट में मेरा नॉर्थ देख रहा है, आप लोग को पता है नॉर्थ अगर देख रहा है तो लेफ्ट ये और राइट मेरा ये, लेफ्ट ये और राइट मेरा ये है, लेकिन ए के लेफ्ट में तो कोई स्पेस ही खाली नहीं है तो सी कहाँ बैठेगा, नहीं बैठेगा ना, मीन्स ये पॉसिबिलिटी मेरा गलत हो गया, ये पॉसिबिलिटी है अभी। इस पॉसिबिलिटी पे देखिए मेरा अभी भी ए के लेफ्ट में दो जगह खाली है, हो सकता है कि सी यहां बैठा हो, और एक पॉसिबिलिटी अगर बनाते हैं तो एच बी स्पेस ए स्पेस स्पेस स्पेस, अगर ए यहां अगर सी हो गया तो दूसरा पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी ये तो दूसरा पॉसिबिलिटी है, अगर ए के बगल में सी यहां है तो इस पॉसिबिलिटी में हो सकता है कि सी यहां हो। आप लोग ये भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हो कि मैम ए के ठीक इमीडिएट में थोड़े बैठा है जो सी आप यहाँ पे बैठा दी, अगर ऐसा इमीडिएट का बात रहता तो क्वेश्चन में जरूर मेंशन कर देता कि सी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, लेकिन उसने ए बोला है यानी पॉसिबिलिटी यहाँ पे उसने जनरेट कर दी है कि हो सकता है सी या तो इमीडिएट लेफ्ट में या तो कुछ लेफ्ट, यानी दोनों पॉसिबिलिटी मेरा अभी तक सही चल रहा है कि सी यहाँ पे भी बैठ सकता है और सी यहाँ पे भी बैठ सकता है। ओके आगे देखते हैं, ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के बीच में, यहाँ पे देख लेते हैं कि डी और एफ के बीच में एक पर्सन बैठे हैं, तो डी ये हो सकता है और एफ ये भी तो हो सकता है ना कि एफ और डी ये भी तो हो सकता है। अब इस केस को हम लोग अपने अरेंजमेंट में देखते हैं, ये देखिए मेरा तीन सीट खाली है, हो सकता है कि डी और एफ ये हो सकता है कि डी और एफ ये हो, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि अभी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बन जाएगा हम लोग का। बोल रहा है कि नन ऑफ देम इज सिटिंग एट अ कॉर्नर सीट, क्वेश्चन बोल दिया है कि डी और एफ मेरा यहाँ, डी और एफ यहाँ नहीं है, इसमें भी मेरा डी और एफ मेरा इस पोजीशन पे नहीं है, अगर डी और एफ यहाँ नहीं है ना मीन्स यहाँ दो सीट खाली है, यानी डी और एफ मैं कहाँ रखूं कि मेरा बीच में एक पर्सन है, पॉसिबल ही नहीं, अगर डी एफ मेरा यहाँ नहीं है तो यहाँ पे दो दो ही सीट खाली, अगर यहाँ पे बैठाते हैं तो देखिए यहाँ पे तो तीन तीन बैठा है, ये केस मेरा गलत हो गया, ये केस डी एफ यहाँ मेरा नहीं है तो ये दो सीट, और ठीक ए के बगल में यहाँ पे देखिए अगर हम डी को यहाँ पे बैठा दे और एफ को यहाँ पे बैठा दे तब तो मेरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है ना, तो अगर हम यहाँ पे डी को यहाँ पे और एफ को यहाँ पे बैठाते हैं तो ये तो सही है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे भी बन सकता है ना कि हो सकता है तो मेरा एफ ये हो और डी ये हो, ये भी तो हो सकता है ना। चलिए देखने के लिए आगे थोड़ा सा बढ़ लेते जाते हैं कि G इज अ नेबर ऑफ F, G जो है ना F का नेबर है, G F का नेबर है, G F का नेबर है, अगर ये अगर F मेरा ये होता है तो यहाँ पे तो भाई पहले से A बैठा है और इधर B बैठा है तो G तो हम कहीं पे बैठा नहीं सकते, यानी ये भी पॉसिबिलिटी मेरा गलत हो गया, ये पॉसिबिलिटी अभी तक सही जा रहा है, G को अगर हम यहाँ पे बैठा दे तो ये देखिए तो G इज नेबर ऑफ F, F का नेबर G है, बिल्कुल सही है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया,
ई मेरा कहीं नहीं है अगर हम यहाँ पे ई डाल देते हैं, ई एफ एफ जी एच, देखिए तो सारे मेंबर बैठ गए, सारे मेंबर बैठ गए। एक बार लास्ट टाइम फिर से अगर हम लोग पढ़ लेते हैं, मेरा मेंबर देख लीजिए, 8% है जो कि सबके सब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। देयर आर एग्जैक्टली 2% सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी, देखिए तो यहाँ पे अगर बी है तो बी के लेफ्ट में ओनली 2% है, बिल्कुल सही है। उसके बाद बोल रहा है कि 3% सिट बिटवीन ए एंड एच, ए और एच के बीच में 3% है, सही है। एंड नाइदर ऑफ ए और एच इज ए नेबर ऑफ बी, देखिए तो बी का नेबर एच और ए है, नहीं है, सही है। सी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में सी है, सही है। ओनली 1% इज सिटिंग बिटवीन डी और एफ, डी और एफ के बीच में 1% है, बिल्कुल सही है, ये बैठा हुआ है। एंड नन ऑफ देम इज सिटिंग एट ए कॉर्नर, डी और एफ कॉर्नर पे है, नहीं, सही है। जी इज नेबर ऑफ एफ, एफ का नेबर जी है, ये सही है। पूरा स्टेटमेंट पढ़ने के बाद पता चला कि ये जो मेरा सिटिंग अरेंजमेंट है ये 100% एक्यूरेसी के साथ मेरा ये सही है। प्लीज जिनको भी समझ में नहीं आया हो, प्लीज मेरे इस वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से बनाने की कोशिश करो, अगर नहीं बने तो प्लीज मेरे स्टेप्स को फॉलो करो। ओके, ये मेरा हॉरिजेंटल वन लाइनर हमने आज डिस्कस कर दिया। कल हमने वर्टिकल के बारे में बताया था फ्लोर बेस पे, आज हमने वन लाइनर जिसको हॉरिजेंटल सिटिंग अरेंजमेंट भी बोलते हैं, आज मैंने डिस्कस कर दिया। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।